आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मसालेदार भरवा करेले की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी, जिसे खाकर आप कहेंगे वाह मजा आ गया। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल वेज जायका को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब इन्हें बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 500 ग्राम करेले। मैंने इन्हें अच्छी तरह से धो लिया है। करेलों में जो ये गड्ढे से होते हैं ना, इनमें अक्सर मिट्टी फंसी रहती है, इसलिए हमें इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से धोना है, क्योंकि इनके छिलकों को हमें फेंकना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है। और धोने के बाद अब हम इन्हें छीलेंगे। पिलर से करेले को अच्छी तरह से छीलना है, अच्छी तरह से, यानी कि करेले को ऊपर ऊपर से नहीं छीलना, बल्कि इनका मोटा मोटा वाला छिलका छील लेना है। अच्छी तरह से छीलने से इसकी कड़वाहट काफ़ी कम हो जाएगी। और छीलने के बाद अब इन्हें दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा कट कर लेंगे और ये कट किया हुआ पोर्शन अलग कर देंगे, छिलकों के साथ नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे करेले छीलकर तैयार कर लिए हैं कट लगाने के लिए, क्योंकि आज हम भरवा करेले बना रहे हैं। तो मसाला भरने के लिए करेले के बीचों बीच एक कट लगाना है। देखिए, कट इस तरह से लगाना है कि जो करेला है ना, वो दोनों साइड से जुड़ा रहे, यानी कि करेले को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा छोड़कर फिर बीच में से एक गहरा कट लगाना है। और फिर करेले को ओपन करके चेक कर लेना है कि करेला अंदर से ख़राब तो नहीं है, और साथ में ही ये भी देख लेना है कि बीज सॉफ्ट है या हार्ड है। देखिए, इस करेले के बीज जो हैं वो एकदम कच्चे हैं, यानी कि सॉफ्ट है, तो इन्हें करेले के साथ ही रहने देंगे, अलग नहीं करेंगे। तो अब दूसरे करेले में भी कट लगाकर चेक कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो बीज है ना, वो थोड़े से पके हुए हैं, तो इन पके हुए बीजों को हमने निकाल देना है। केवल बीज को ही निकालना है, बाकी के पोर्शन को नहीं निकालना, क्योंकि करेले बहुत ही हेल्दी होते हैं और हमें ना तो इनका छिलका वेस्ट करना है और ना ही अंदर वाला पल्प वाला पोर्शन। तो यहाँ पर कोई एक दो करेलों में से ही हार्ड वाले बीज निकले हैं, जिन्हें मैंने निकाल कर अलग कर दिया है। तो अब करेलों को पकाएंगे, और पकाने के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई में 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालकर गर्म करेंगे। तो अब देखिए, थोड़ी देर बाद ये जो तेल है गर्म होकर पहले से पतला हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें एक एक करके करेले डालते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, भरवा करेले बनाने में एक ऑयल और दूसरा टाइम दोनों ही ज़्यादा लगते हैं, तभी भरवा करेले स्वादिष्ट बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर करेलों को छीलकर कट लगाकर साथ में ही पकाना भी शुरू कर दिया है। मैंने इन्हें पकाने से पहले नमक लगाकर थोड़ी देर के लिए नहीं रखा है। हाँ, मैंने इन्हें छीला अच्छी तरह से हैं, जिससे कि इनका कड़वापन काफ़ी कम हो जाता है, और जो थोड़ी बहुत कड़वाहट रह भी जाती है ना, तो वो तो करेले का अपना गुण है, इसकी प्रॉपर्टी है। तो थोड़ा सा जो कड़वा स्वाद आता है ना करेलों में, वो तो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो अब करेलों में ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी। करेलों के अंदर जो मसाला भरना है ना, तो उसमें तो नमक मिर्च मसाले डालने ही हैं, पर करेले फीके फीके से ना लगे, इसलिए इन्हें हम नमक डालकर पकाएंगे। बहुत ही बढ़िया बनेंगे करेले इस तरह से। नमक डालकर 1-2 मिनट तक ऐसे ही खुला भूनकर फिर इन्हें ढककर मीडियम फ्लेम पर पकाना है, लाइट ब्राउन होने तक। लेकिन बीच बीच में हमें इन्हें चलाना भी है, मैं आपको साथ साथ में दिखाती भी रहूँगी। और अब देखिए, 3 से 4 मिनट हो गए हैं इन्हें एक साइड से ढककर पकाते हुए। तो करेले जो है ना, कढ़ाई वाली साइड से पकना शुरू हो गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इनकी साइड चेंज कर दूँगी, और अब इन्हें ना ढकना नहीं है, और इसी तरह से साइड चेंज करते हुए हमें इन्हें पकाना है, पर मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, ताकि ये ऊपर के साथ साथ अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए, कच्चे ना रहें। तो अब देखिए, मैंने करेलों की साइड चेंज करते हुए इन्हें सब तरफ से अच्छे से पका लिया है, और पक कर ये ब्राउन कलर में आ गए हैं ना, और ये अच्छी तरह से पक भी चुके हैं। तो फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और एक एक करके सारे करेले कढ़ाई में से निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। करेले कड़वे होने के कारण काफ़ी जने इन्हें खाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना, तो ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी। और अब इसी कढ़ाई में जो ऑयल बचा है ना, उसे फिर से गर्म करेंगे, और फिर इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून दरदरा किया हुआ साबुत धनिया, और थोड़ी सी हींग। और जब ये सब अच्छे से तड़क जाए ना, तब इसमें ऐड करेंगे ये कद्दूकस किए हुए 4 बड़े साइज़ के प्याज, और प्याज को ऑयल में मिक्स करके इन्हें अब हमें अच्छे से पकाना है। और जो ये करेलों के छिलके रखे हैं ना, इनमें थोड़ा सा नमक मिलाकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे, और फिर इनका पानी स्क्वीज करके बारीक प्याज काटकर भूनकर फिर छिलकों को भी भूनकर इनकी बढ़िया सी सब्जी बना लेंगे। और अब इधर देखिए, ये जो प्याज हमने भूनने के लिए रखे हुए हैं ना, पहले से थोड़े से पक गए हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ लहसुन, और थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक, बारीक कटी हुई 2 मिर्ची भी ऐड करेंगे इसमें, और साथ में ही कद्दूकस की हुई केरी या कच्चा आम। ये एक छोटे साइज़ की केरी है, जिसे मैं कद्दूकस करके यूज़ कर रही हूँ।
अभी आम का सीजन चल रहा है ना, तो मैंने सोचा खटाई की जगह आज कच्चा आम ही यूज़ किया जाए। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका करेलों में। वैसे इसकी जगह आप एक टीस्पून भरकर आमचूर पाउडर या पिसा हुआ अनारदाना भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें बहुत ही पेशेंस रखते हुए गैस की सिम फ्लेम पर बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है, ताकि करेलों में से कच्चे प्याज या कच्चे लहसुन का टेस्ट ना आए। और जब ये अच्छी तरह से पक जाए तब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। जिस ऑयल में मैंने ये तड़का भूना है ना, इसमें भी नमक है, क्योंकि करेले पकाते हुए मैंने नमक यूज़ किया है ना, तो ये वही वाला नमक वाला ऑयल है, इसलिए नमक कम ही डालना है। और साथ में ही ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, एक टीस्पून लाल मिर्ची, एक टेबलस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून सौंफ पाउडर। सौंफ का स्वाद करेलों में बहुत ही बढ़िया आता है। हम इसमें साबुत सौंफ का यूज़ भी कर सकते हैं, जब जीरा वगैरह तड़काया है ना उसी टाइम। और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला, करीब 1/4 टीस्पून। और साथ में ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब गुड़ पाउडर। यहाँ पर हम गुड़ पाउडर या गुड़ या चीनी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में ही कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर मसालों के साथ एक आध मिनट तक पकाकर फ्लेम को कर देंगे ऑफ। तो अब यह हमारा करेलों में भरने वाला बढ़िया सा मसाला हो गया है तैयार। बहुत ही बढ़िया मसालेदार स्टफिंग बनी है ये, एकदम यम्मी यम्मी। तो अब चाहें तो इसे हल्का सा ठंडा कर लें या गरम गरम ही करेलों में भर लें। देखिए करेले जो है ना अंदर तक अच्छी तरह से पक गए हैं। अभी मैं बाद में इन्हें आपको दिखाऊंगी कि करेले जो हैं अच्छे से पककर सॉफ्ट हो गए हैं। अगर अभी इन्हें तोड़कर दिखाती हूँ तो करेला टूट जाएगा और अच्छी तरह से भरा नहीं जाएगा। अब मसाले को अच्छी तरह से पूरे करेले में अंदर तक भर देना है, देखिए इस तरह से। अगर आप मसालेदार भरवा करेले इस तरह से बनाकर खा लेंगे ना, तो बार बार इसी तरह से बनाकर खाएंगे और हो सकता है ये आपकी फेवरेट डिश बन जाए। और मसाला ठंडा हो जाए तो हाथ से भर लीजिए, इजीली भरा जाएगा। तो इसी तरह से अब यहाँ पर मैंने सारे करेले मसालों से भरकर तैयार कर लिए हैं। आप इन्हें बनाकर एक हफ्ते तक फ्रिज में रख लीजिए, ये जल्दी ख़राब नहीं होते। तो अब फुल एंड फाइनल एकदम बढ़िया मसालेदार भरवा करेले बनकर तैयार हैं, बहुत ही बढ़िया बने हैं। इन्हें दाल के साथ, चपाती या पराठों के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं।